हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, जो कि है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो उसका पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है पेंटिंग से। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने स्तूप्स के बारे में पढ़ा है, स्तूपा क्या होते हैं, और द आयरन पिलर के बारे में पढ़ा है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग्स के साथ। सी, तो जैसे चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, तो अब हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अजंता, अब आपने अजंता का नाम तो सुना ही होगा। अजंता केव्स, एलोरा केव्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। अगर नहीं सुना तो आपको बताती हूँ, अजंता एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं। ये महाराष्ट्र में है ये जगह, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केव्स हैं और इनमें भी मैक्सिमम जो हैं वो मोनेस्ट्रीज हैं फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो अब इनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो उसमें कलर्स थे वो इतने टाइम से अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब कलर्स अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। बेशक थोड़ी बहुत शेडिंग, थोड़ा बहुत हल्का सा कलर में चेंज आया होगा, बट वो कलर्स अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। अभी कलर्स बनाए किससे गए थे? ये बनाए गए थे प्लांट्स एंड मिनरल्स से। कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स, तो इनमें से बनाए गए थे। और बनाए किसने थे, जो आर्टिस्ट थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं है। तो ये हमें बुक में दिया हुआ था, जो मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। पूरे सेंटेंसेज नहीं लिखे हैं, बिकॉज फिर उसमें पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। पेंटिंग्स का आपने पढ़ लिया। हम अजंता की बात करें, जहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं, उनमें भी जो मैक्सिमम है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मोनेस्ट्रीज हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाउ वर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ट। मतलब पुराने टाइम में जो हमने पढ़े, स्तूपाज क्या होते हैं, टेम्पल्स कौन से ब्रिक से बने हैं, कौन से बेक्ड ब्रिक से बना है, कौन से स्टोन से बना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो स्तूप थे और जो टेम्पल्स थे, ये बनाए कैसे जाते थे, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, इजी से समझने के लिए, बिकॉज इसके लिए भी बुक में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी दी थी, एंड थ्योरी से पढ़ना मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, जो पहला पॉइंट है वो है गुड क्वालिटी स्टोन टू बी फाउंड। अगर हम स्टोन का, जैसे स्तूप बनाने होते हैं, हम उसमें स्टोन लगाते हैं या और बेक ब्रिक्स भी लगाते हैं, तो सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी का स्टोन कहाँ पे मिलता है, हमें पहले वो पता करना है। देन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ पे भी आपको स्तूप बनाना है, वहाँ पे आपको वो गुड क्वालिटी का अच्छा स्टोन जो है वो उस जगह पे लाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे आपको पत्थर मिल गए, आपने वहीं पे स्तूप बना दिया। स्तूप बनाने के लिए तो आपने कहीं और जगह चूज़ की होगी, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी बुद्धिस्ट मॉन्क की डेथ होती है तो उसी पर्टिकुलर जगह पर स्तूप बनाया जाता है। कई जगह आप ये भी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब बस यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है ट्रांसपोर्टेशन से, कि जहाँ पे स्तूप बनाना है वहीं पे वो स्टोन्स होने चाहिए, तो वो वहाँ से लाने हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन, अब जो पत्थर होंगे वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। शेपिंग एंड कार्विंग, रिक्वायर्ड शेप देनी पड़ेगी। डोम लाइक स्ट्रक्चर बनानी तो वैसी शेप देनी पड़ेगी, रेक्टेंगुलर बनानी है तो वैसी शेप देनी पड़ेगी, उस पर कार्विंग करनी पड़ेगी, कुछ चित्र बनाने पड़ेंगे, स्कल्पचर्स या कुछ लिखना पड़ेगा, जो भी उनका रहता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हम फ्लो चार्ट के थ्रू हमने समझा कि स्तूप और टेम्पल्स बनाए कैसे जाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, मैनेजमेंट, गिफ्ट्स एंड ट्रेजरी। तो अब स्तूप बनाने हैं, इतना खर्चा होगा, तो ये खर्चा करता कौन था, मैनेजमेंट कैसे की जाती थी, अब ये क्वेश्चन उठता है। तो ये 2 तरह से की जाती थी। पहला तो ये जो आम आदमी थे, डिवोटीज थे, लोग थे, वो कुछ, जैसे हम कहते हैं ना चढ़ावा चढ़ा चढ़ता है आजकल, जैसे वो कुछ गिफ्ट्स देते थे, कुछ अपनी तरफ से कुछ सामान देते थे, तो उससे जो है मैनेजमेंट की जाती थी। दूसरा है कि मेनली जो किंग्स एंड क्वींस होते थे वो इन सब चीज़ों को मेंटेन करते थे, ठीक है। तो उनके पास जो भी ट्रेजरी में खजाना होता था, उसमें से वो पैसे निकाल के, धन निकाल के जो है स्तूप्स और टेम्पल्स को बनाते थे। तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि ये टेम्पल इस राजा ने बनाया है, ये टेम्पल इस राजा ने बनाया है, तो मैक्सिमम राजा का शेयर रहता है, पर जो आम आदमी है, आम जनता होती है, उसका भी उसमें शेयर रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्तूपाज एंड टेम्पल्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर हमने पढ़ा कि उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, राइट। मैं यहाँ पे इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे इजी आई डोंट थिंक आपको कहीं और मिलेगा, बट अगर मिल भी जाता है तो दैट्स नाइस। सो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा पढ़ने के लिए।
जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स, तो हमने बिल्डिंग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, बुक में बिल्डिंग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा था, पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा ही पॉइंट था तो वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बुक्स के बारे में, राइट। तो इसमें आता है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब किताबों की दुनिया कैसी है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे एपिक्स, एपिक्स क्या होते हैं, ग्रंथ, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पुराणांश कि पुराण क्या होते हैं, ठीक है। बट आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपिक्स क्या होते हैं, एपिक्स ग्रंथ होते हैं, ठीक है। ये ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े और बहुत ही लंबे लंबे कॉम्पोजिशंस होते हैं, और इनमें स्टोरीज होती हैं भगवान या देवी देवताओं के बारे में, ठीक है। ग्रंथों की बात हम कर रहे हैं, तो वैसे ही एक ग्रंथ का नाम है। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, मतलब इन तीन चीज़ों का कुछ रिलेशन होगा। वैसे नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बट आप जस्ट कैन गो थ्रू इट। फर्स्ट चीज़ है सिलापदिकरम। प्रोनंसिएशन आप देख लीजिएगा अगर आप हिंदी मीडियम बुक से पढ़ते हैं तो भी। सिलापदिकरम जो है ये तमिल में लिखा हुआ एक एपिक है, ठीक है। इलांगो ने इसे लिखा था और 1800 साल पहले लिखा था, ठीक है। तो अब इसमें स्टोरी किसके बारे में, देखिए मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बनाया है तो इससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि स्टोरी किस बारे में है। ये स्टोरी जो है ये एक मर्चेंट के बारे में है, ठीक है। एक मर्चेंट था जिसका नाम था कोवलन। अब कोवलन की वाइफ का नाम था कन्नगी, ठीक है। ये हो गए हस्बैंड वाइफ, और ये पूहर नाम की एक जगह पे रहते थे। अब पूहर में क्या होता है कि इस कोवलन के, इस मर्चेंट के लव रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं माधवी के साथ, ठीक है। इसलिए कुछ टाइम बाद ये पूहर से मदुरई शिफ्ट कर जाते हैं। कौन कौन, कोवलन एंड कन्नगी जो है मदुरई शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मदुरई में चोरी का इल्ज़ाम लगता है कोवलन के ऊपर और उसे मार दिया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो दुख में जो कन्नगी है वो पूरे के पूरे मदुरई को डिस्ट्रॉय कर देती है। बस ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है कहाँ मिलेगी आपको, सिलापदिकरम में मिलेगी, ठीक है, इलैबोरेटेड फॉर्म में। नेक्स्ट है मणिमेकलाई। ये सत्यनार ने लिखी है, 1400 साल पहले लिखी गई थी, और ये स्टोरी है अबाउट द डॉटर ऑफ माधवी एंड कोवलन, यानी कोवलन और जिसके साथ उनके लव रिलेशन थे माधवी, उनकी एक बेटी थी, तो उसके उस बेटे के बारे में सारी सारी स्टोरी आपको मिलेगी मणिमेकलाई में, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं मेघदूत की तरफ। अब मेघदूत जो है एक बेस्ट नोन पोइम है बाय कालिदास, मतलब काफ़ी जानी पहचानी पोइम है जो कि कालिदास जी ने लिखी है, ठीक है। तो आई होप ये जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ आया हो, राइट। और अभी इसी के साथ हमारे एपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे पुराणों के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप जो भी मैंने समझाया आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी रहता है कि वो नोट्स बनाएं, बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज मेनली आपको प्लस वन एंड प्लस टू की एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती हैं। बट अगर आप सिक्स टू टेंथ भी पढ़ते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जो आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो, इनकेस आप अच्छे नोट्स बनाते हो तो, क्योंकि आप बार बार बुक्स तो नहीं पढ़ सकते। बुक्स में तो आप कह सकते हैं कि इनमें अरेंजमेंट अच्छे से नहीं है, ठीक है, कोई टॉपिक आगे है कोई पीछे है, कोई आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी सही नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आपको उसके लिए क्रोनोलॉजी सही होनी चाहिए, थोड़े शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, सो आपको वो आंसर राइटिंग में हेल्प करें। सो दैट्स इट गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून।